नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। क्या आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है? पैसा किसी की जान से बढ़कर हो जाता है क्या? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद पैसों के लिए ग्रेटर नोएडा में एक शख्स को बेरहमी से मार दिया गया और उसके शव को गाड़ी में ही जला दिया गया। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली इलाके का है, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर उसका शव फॉर्च्यूनर कार में जलाकर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले मृतक अपने दो साथियों के साथ था। देर रात उसकी हत्या कर दी गई और शव को फॉर्च्यूनर कार में जलाकर उसे हादसा बनाने का प्रयास किया गया। मृतक की कार रोड से लगभग 100 मीटर अंदर झाड़ियों में मिली है। दरअसल ज्वेलरी को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने उसे मार डाला। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या की गई है और बाद में कार में आग लगा दी गई। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल की जांच की गई है। संजय यादव के परिजनों ने बताया कि वो गाजियाबाद से साइट पर जाने के लिए निकला था। इस मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ज्वेलरी के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसे लेकर संजय यादव की हत्या की गई है। पुलिस सभी संभावित एंगल से मामले की गहनता से जांच कर रही है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।